स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। विस्कस फ्लूइड फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। नॉन विस्कस के लिए हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में देखा था कि वहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है और वह इस फॉर्म में देखने को मिलती है। This is the equation of motion for non-viscous fluid. ये velocity है, ये body force per unit mass है और ये pressure है, gradient of pressure. Rho is the density. लेकिन जब fluid viscous होगा तो हमें मालूम है कि वहां पर जो surface force है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि viscosity की वजह से friction picture में आएगा और friction का जो force है वो भी शामिल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो विस्कोसिटी, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए विस्कोसिटी के टर्म्स इस इक्वेशन में और शामिल होने वाले हैं। तो यहां पर कुछ विस्कोसिटी इनटू समथिंग ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। तो वो इक्वेशन क्या होगी ये हम देखेंगे इसमें। और विस्कस फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहा जाता है। इसको स्टोक्स ने डिराइव किया था, नेवियर ने डिराइव किया था, फिर स्टोक्स ने उसमें करेक्शन किया, तो इनके नाम से नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहलाती है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है विस्कस फ्लूइड के लिए, तो देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन ऑफ मोशन फॉर विस्कस फ्लूइड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो मान लीजिए कि ये एक फ्लूइड पार्टिकल है जो कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के शेप में है। ये कोई फ्लूइड पार्टिकल है, इस शेप में हमने लिया है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डिराइव कर लेंगे, इसलिए कार्टेशियन प्लेन के पैरेलल इसके प्लेन्स लेंगे। इस तरीके से हमने इसको रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के शेप में लिया है। तो मान लीजिए कि कोई फ्लूइड पार्सल है किसी पॉइंट पी पर, और ये इसकी एज डी एक्स है, ये डी वाई है और ये डी जेड है, और ये मूविंग फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है और उसी के साथ ये फ्लूइड पार्टिकल भी मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस होंगे वो सरफेस फोर्स होंगे और बॉडी फोर्स होगा। बॉडी फोर्स मास पर डिपेंडेंट होता है आपको मालूम है, और सरफेस फोर्स सरफेस पे लगेगा। इसके छह सरफेसेस हैं, इनके ऊपर जो सरफेस फोर्स होगा वो स्ट्रेस का फोर्स होगा, स्ट्रेस आपको मालूम है। उसके अंदर फ्रिक्शन का फोर्स शामिल होगा स्ट्रेस में और प्रेशर का फोर्स शामिल होगा। तो हमने पहले देख चुके हैं कि जो इसके छह सरफेसेस पे सरफेस फोर्स लगेंगे उसको पॉइंट पी पर, यानी इसके सेंटर पॉइंट पर अगर रिड्यूस किया जाए तो हमें फोर्स मिलेगा और साथ में कपल मिलेगा। कपुल का हमने देखा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो टर्म अपीयर होते हैं dx, dy और dz के वो ऑर्डर 5 के होते हैं, तो इस वजह से वो टर्म बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हम उनको ड्रॉप कर देते हैं कंपेयर टू दी ऑर्डर ऑफ फोर्स टर्म। तो इस वजह से जो इक्वेशन हमको लिखनी है उसमें जो हम फोर्स लेंगे सरफेस के फोर्स, वो केवल फोर्स लेंगे, वहां पे मोमेंटम में कपल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है।
ये हमने देखा था कि इन छह फेसेस पे जो फोर्स लगेंगे सरफेस फोर्स, उनको जब पॉइंट पी पे रिड्यूस करेंगे तो वो क्या मिलेंगे, ये देखिए वो ये थे। ये सरफेस फोर्सेस हैं, ये एक्स एक्सिस के अलावा है, ये वाई एक्सिस के अलावा है, ये जेड एक्सिस के अलावा फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स कंपोनेंट आई जे के अलावा है। तो जब हम अच्छा इसके साथ में ये रहेगा डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्चुअली डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को डी एक्स डी वाई डी जेड के फॉर्म में लिख लिया। तो ये फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा मिलेंगे जो सरफेस फोर्स है। बॉडी फोर्स इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि एफ है, लेट बॉडी फोर्स ऑन द फ्लूइड इस एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, दिस इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ऑन द फ्लूइड इज दिस, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो ये सरफेस फोर्स हो गया और ये बॉडी फोर्स हो गई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस तो वाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी हैव, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यह है कि जो किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो माना इसका जो मास है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया रो फ्लूइड की डेंसिटी है, विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम x एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लेंगे, दैट इज u इज इक्वल टू बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास है तो टोटल फोर्स बॉडी फोर्स कितना होगा, पर यूनिट मास टोटल मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। प्लस सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस, सरफेस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस इनटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो दिस इज दी कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा, जेड एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हैं।
y एक्सिस का अलार्म लिखेंगे तो यहां वेलोसिटी अलार्म y एक्सिस v ले लेंगे, एफ वाई हो जाएगा और ये जो है टर्म इस टर्म से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से जेड एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि के डायरेक्शन के अलॉन्ग ले सकते हैं, यहां डब्ल्यू हो जाएगा, यहां पे एफ जेड हो जाएगा और ई इस टर्म को इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इक्वेशन है मोशन की उसको जरा इलाबोरेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसमें अब हम आगे ये करेंगे, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, आप ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगी, इनको हटा दीजिए और फिर आपकी इक्वेशन बनेगी सिंपली रो रो टाइम्स दिस, रो से भी डिवाइड कर लेते हैं, अगर करेंगे तो यहां पर ये हट जाएगा और रो यहां डिवाइड हो जाएगा इस टर्म के साथ, तो जैसे भी लिखना चाहे हम इसको ऐसे अभी बढ़ाते हैं आगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एल इन आई डायरेक्शन, आई डायरेक्शन देखिए हमें मालूम है विनो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, जिसे कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक ये होगी पी वाई वाई इज टू म्यू क्यू इज द वेलोसिटी, क्यू ये वेलोसिटी है फ्लूइड की दिस, ये रिलेशन हमने डिराइव किए थे पिछले लेक्चर में, स्ट्रेस कंपोनेंट्स को यहां पे रखिए, व्हाट वी गेट ये वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा
ये वैल्यू रखने पे आपको ये मिल जाएगा, इस तरीके का रिलेशन मिलेगा। फिर ध्यान रखिएगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये अपने जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, वेरिएबल भी हो सकती है। फ्लूइड का कंप्रेसिबल होना जरूरी नहीं है, वो इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों हो सकता है। तो इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, और ये अभी एक्स एक्सिस के अलोंग है। दो इक्वेशन अभी और है वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, तो वो इक्वेशन भी मिल जाएंगे सिंपली। जो आपको बताया था कि वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे और फिर ये रिप्लेस करेंगे, जो भी वैल्यूज उसमें अपेयर होंगी उनको रखेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग मिलेंगे, ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग मिल जाएंगे। तो अपने जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इनको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका, यानी इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकाला जा सका है। पर्टिकुलर केसेस में इनको सॉल्व करते हैं हम, और जब प्रॉब्लम आसान हो जाती है तमाम तरह की कंडीशंस अप्लाई करके तो वो तो सॉल्व हो जाती है। लेकिन जनरल फॉर्म में जब कोई भी इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई कंडीशन ना अप्लाई करें, एज इट इज लें, तो फिर सॉल्व नहीं की जा पाई है अभी तक एग्जैक्ट फॉर्म में, और ये मिलियन डॉलर प्रॉब्लम में शामिल है। मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स मिलियन डॉलर प्रॉब्लम में शामिल है, जिसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर जो भी सॉल्व करेगा उसको 10 लाख डॉलर का प्राइस डिक्लेयर्ड है। वो क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स है, उसने डिक्लेयर किया है, तो उसमें ये भी शामिल है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। अपने जनरल फॉर्म में यह सॉल्व नहीं की जा सकी है अभी तक। खैर हम देखते हैं इसके और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स क्या क्या होंगे आगे जो हमें यूज करने हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलावा और जेड एक्सिस के अलावा आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले हम इसका एक सिंपल केस देखते हैं, इसका हम आपको नोट्स दे देंगे जिसमें वो एक्सप्रेशन लिखे रहेंगे, यहां पर हम उसको नहीं लिख रहे हैं। वाई और जेड एक्सिस के अलावा इसी इक्वेशन को देखिए, अगर विस्कोसिटी हम कांस्टेंट कर लें इस कांस्टेंट, यानी फ्लूइड मोशन के दौरान विस्कोसिटी चेंज ना हो जैसा कि जनरली होता है, अगर फ्लूइड हीट किया जा रहा है यानी उसका टेम्परेचर जगह जगह बदल जाए तो फिर विस्कोसिटी चेंज होगी, क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ तेजी से बदलती है, प्रेशर के साथ बहुत माइन्यूटली चेंज होती है लिक्विड के केस में, लेकिन टेम्परेचर के साथ ये तेजी से चेंज होती है। तो ज्यादातर केस में विस्कोसिटी ज्यादातर फ्लूइड फ्लो के केस में कांस्टेंट ही होती है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर जनरल इक्वेशन ये मिलेगी आपको जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। अगर विस्कोसिटी कांस्टेंट हो तो ऐसी स्थिति में ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, और आपको इक्वेशन मिलेगी ये भी है this is 2 times ये हो जाएगा। इस टर्म को बाद में लिखेंगे, और ये देखिए
ये टर्म जो है विस्कोसिटी बाहर आने पर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, वो हमने टर्म लास्ट में लिख लिया है, और बाकी टर्म ये टर्म यहां है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसमें से एक ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो यू गेट डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर, दैट इज डेल स्क्वायर यू, सॉरी डेल स्क्वायर यू प्लस और एक यहां पे बचा था वो भी ले लेते हैं, और ये टर्म अलग कर लीजिए, एक्चुअली अलग ही है। डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, ये देखिए डेल बाई डेल एक्स तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ये मिलेगा। इज दिस That is gradient of u. This. ये इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन बाई थ्री, इज दिस तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के मिल जाएगी। दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऐसे ही वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी लिखा जा सकता है सिमिलरली। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एंड
जेड एक्सिस। और this and along z axis this along y-axis along z-axis। ये तब है जब विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो दीज आर फॉर कांस्टेंट विस्कोसिटी, फॉर कांस्टेंट विस्कोसिटी। इन तीनों इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, दीज इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस, कैन बी कंबाइंड। To a single equation, single vector equation. देखिए सर, इसको लिख सकते हैं rho d q by dt। q क्या है? Velocity, आपको बताया था u y v j w k, ये तीनों को लिख लिया ऐसे। तो इसमें u प्लस यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, तो i का कोफिशियंट अगर आप लेंगे तो ये मिलेगा, j का ये मिलेगा और k का ये मिलेगा। इधर देखिए, दिस इज f, f इज व्हाट, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, बॉडी फोर्स पर न्यूटन मास। और ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ पी। इसमें भी आई जे के कोफिशिएंट लेंगे तो ये आई का होगा, ये जे का होगा, ये के का होगा। और ये मिलेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये थ्री टाइम्स हो जाएगा। इसमें सॉरी ये तो छोटा है, इसमें डेल बाय डेल, इसमें डेरिवेटिव था डेल बाय डेल एक्स, ये था, ये छूटता चला गया। यहां पे वाई हो जाएगा और यहां पे जेड हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल। इसको कैसे कंबाइन करेंगे? दिस दिस एंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो आई जे के कोफिशियंट ये मिल जाएंगे। तो इन तीनों इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में ऐसे रिड्यूस किया जा सकता है और इसमें आई जे के की डायरेक्शन में आप इक्वेशन के कंपोनेंट्स लेंगे, अगर दोनों तरफ आई जे के का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको ये 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 इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो हमारी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर केस के लिए है जब विस्कोसिटी जो है कांस्टेंट है। दिस इज
नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी. दिस इज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी. इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं. और जब विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो हमने बताया कि इस तरह से कंबाइन किया जाना मुश्किल है और फिर तीनों कंपोनेंट इक्वेशन अलग अलग लिखनी पड़ेंगी. और वो आपको हमने बताया था, एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन को लिखा था, वैसे ही वाई और जेड के अलोंग लिख सकते हैं. जब विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तब, जब कांस्टेंट होगी तो जो इक्वेशन अपने सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी और उन जो इक्वेशन वो जो इक्वेशंस हैं ये हैं और इनको सिंगल इक्वेशन में ही लिख सकते हैं. तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल इक्वेशन में ही लिख सकते हैं. तो दिस इज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर कांस्टेंट विस्कोसिटी. इसका मतलब ये नहीं कि यही नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन वही ओरिजिनल इक्वेशंस थी जिसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं थी. ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के पर्टिकुलर केस में रिड्यूस रिडक्शंस हैं. जब देखिए अगर इसमें अब अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हो, इफ फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल तो फिर ये जीरो होगा, इसको जीरो ले लीजिए और इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी. वी गेट जीरो हो जाएगा. फिर भी यहां विस्कोसिटी का टर्म है जो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये टर्म दिस इज डेल स्क्वायर क्यू, क्यू इज द वेलोसिटी. तो हम इसको ऐसे या ऐसे लिखते हैं. और ऐसे लिखते हैं, दिस इज द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड व्हेन विस्कोसिटी इज कांस्टेंट. ये अपने सिंपल फॉर्म में है. क्यू इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. F is the body force per unit mass. P is the pressure. And this is called kinematic viscosity. Kinematic viscosity. This is called kinematic viscosity. This is viscosity divided by density. इसको कहते हैं kinematic viscosity. तो इस equation को आपको याद रखना. और जब viscosity constant होगी यानी कि हम non-viscous fluid पे आएंगे तो ये zero हो जाएगी viscosity और ये term नहीं मिलेगा. तो ये इक्वेशन देखिए आयलर्स इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है. दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड. विस्कस फ्लूइड के लिए ये रहेगी. ये भी पर्टिकुलर केस में है जब हमने फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल लिया है और विस्कोसिटी को कांस्टेंट किया है. जब विस्कोसिटी कांस्टेंट ना हो और फ्लूइड इनकंप्रेसिबल ना हो तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी. तो ये जो इक्वेशन है इसमें विस्कोसिटी
इज कॉन्स्टेंट एंड फ्लूड इज इनकम्प्रेसिव, ये ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन में। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखी है, सिलिंड्रिकल पोलर और स्फेरिकल पोलर केस में ये दूसरे फॉर्म में होगी, वहां पे एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हम जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन ये है, ये क्या होता है I डेल बाय डेल x, J डेल बाय डेल y, K डेल बाय डेल z, और डेल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्सप्रेशंस कुछ और होंगे, तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन बदल जाएगी। सो वी हैव दिस इक्वेशन, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये इस तरीके से लिखी जाएगी। इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये क्वेश्चन क्या होगी, देख लीजिए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए वेलोसिटी आर थीटा जेड है कोऑर्डिनेट्स, और वेलोसिटी ये है वी आर ई आर वी थीटा ई थीटा वी जेड इज इट, और मान लीजिए ये है वेलोसिटी, ये है जहां पे ये रेडियल वेलोसिटी कहलाती है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है, ये अलोंग साइड एक्सिस है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके का होता है, एक सिलेंडर के ऊपर हम ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ये है आर थीटा जेड, आर थीटा जेड आर थीटा जेड का मतलब यह है ये सरफेस पे है पॉइंट, ये सरफेस पे है, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जहां पर भी जाएगा, मान लीजिए क्यू पे जाता है सरफेस पे होगा तो सरफेस पे ही जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी रेडियस हो गई सिलेंडर की आर, थीटा ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से वो एंगल है और ये जेड है, जेड एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगी ये आर थीटा जेड ये होते हैं। तो थीटा यहां पे आप देख सकते हैं बिटवीन जीरो टू टू पाई होगा, और ई आर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग ई थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, ई थीटा थीटा इधर बढ़ेगा ऐसे। इसी तरीके से
ez in the direction of z increasing. So this here, these are the unit base vectors in the cylindrical coordinate system in the direction of r increasing, theta is increasing and z increasing. और ये जो बेस वेक्टर्स होते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बेस वेक्टर्स होते हैं उनमें फर्क ये है कि ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, इसमें मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन भी फिक्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो आई जी के यही रहेंगे. लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके बेस वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो वन है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है. अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मान लीजिए आ जाते हैं तो यहां पर आर इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, ये ई आर इधर हो जाएगा. इसी तरीके से थीटा इंक्रीजिंग की डायरेक्शन कुछ और हो सकती है, सपोज इधर इंक्रीज करता है जिधर एंगल बढ़ेगा, और जेड जरूर फिक्स रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ई आर और ई थीटा पॉइंट टू पॉइंट चेंज होंगे. तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये बेस वेक्टर्स हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फिक्स होते हैं. तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वेरी स्टोक्स इक्वेशन देख रहे थे. तो फॉर कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड for incompressible fluid, constant viscosity incompressible fluid, equation क्या होगी, component equation लिखे for constant viscosity and incompressible fluid. Incompressible fluid. Equation देखिए क्या होगी, ई आर की डायरेक्शन में देखिए पहले. This is R. V by R square. V R by R square. Minus 2Y R square. Del V theta by del theta. Yes. ये पहला इक्वेशन है, कंपोनेंट इक्वेशन अलोंग ई आर डायरेक्शन, ई आर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है इक्वेशन का. दूसरा ई थीटा की डायरेक्शन देते हैं, this is in the direction of E theta.
थीटा डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में देखिए ये हो गया, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई आर ई थीटा ई जेड, ई जेड डायरेक्शन. तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग ई आर ई थीटा एंड ई जेड डायरेक्शन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी. अच्छा, यहां पे ये जानना जरूरी है कि डी बाई डी टी ये एक्सप्रेशन क्या होगा. ये एक्सप्रेशन होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होगा डेल बाई डेल टी वी आर डेल बाई डेल आर वन बाई आर v theta del by del theta v z del by del z. And del square is this expression 1 by r del by del r 1 by r square del 2 by del theta square. डाइवर्जेंस का रिलेशन ये हुआ, आपको मालूम है कि ये होता है ये होता है. तो आप देखेंगे कि चूंकि ये एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और दूसरे कोऑर्डिनेट में, इनमें फर्क होता है, तो अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन भी फर्क आती है. इसमें डेरिवेटिव इस तरीके का डेरिवेशन इस तरीके के एक्सप्रेशन देता है. देखिए यहां पे ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सप्रेशन थे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के उसमें ऐसा नहीं था, ये टर्म नहीं थे, ये टर्म नहीं थे. लेकिन जब आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे डिराइव करने पर. हमने जो डिराइव किया था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिराइव किया. इसी तरीके से अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखेंगे तो वो एक्सप्रेशन और अलग होंगी, और वो एक्सप्रेशन हम आपको नोट्स में दे देंगे, उनको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें लिखने की ऐसी जरूरत नहीं, वो आपको हम दे देंगे अलग से, उसको ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. अब हम जाकर के विस्कस फ्लूइड फ्लो की इक्वेशन ऑफ मोशन लिख पाए, इसमें जो जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेस फोर्स जो कि एक सरफेस फोर्स होता है, उस स्ट्रेस फोर्स में फ्रिक्शन का फोर्स होता है, और इस स्ट्रेस को अप्लाई करने पर जो स्ट्रेन यानी रेट ऑफ स्ट्रेन होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है, यह देखा हमने, और उन फोर्सेस को समझने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मिली. अब हम इसकी प्रॉब्लम्स पे आगे जाएंगे. थैंक यू.